आज तो सही में मर के बचाऊं, मतलब हर दो दो किलोमीटर में मुझे हालत खराब हो गई थी। ओरिजिनल है ये, देखिए सारी धूल ही धूल हो रही है कहीं पे भी। और अभी सुबह के 9 बजे हैं। गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, की हाल चाल भाई लोगों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर राज साइकिल बाबा, विश्व साइकिल यात्री, सूडान की धरती से एक बार फिर आ गया हम आपके सामने। और टाइम हुआ है सुबह के 5:30 और अभी हम हैं, पिछले वीडियो को किसी ने नहीं देखा तो वो पिछला वीडियो जाके देखना कि हम कहाँ पे थे। तो अब उस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। और अभी हम रात को यहाँ पे सो गए थे भाई। अभी हमारा जो टारगेट है वो 100 किलोमीटर दूर है। और यहाँ 5:30 अंकल जी आगे थे और इन्होंने अपनी दुकान खोल ली थी, और सामने पुलिस की गाड़ियाँ हैं वहाँ पे, ये चेक पॉइंट है, यहाँ पे आके मुझे रुकना पड़ गया था। तो अभी इस चेक पॉइंट से मैं आगे की तरफ जाऊँगा, और अभी मेरा जो टारगेट है वो 100 किलोमीटर रहता है। तो आज मैं 100 किलोमीटर राइड करूँगा। और सूडान में रात को ओपन में, लोग तो सूडान में आने से डरते हैं, और आपके भाई ने पूरी रात सूडान के अंदर साइकिल को पिलाया। रात को लगभग मैं 12:30 के करीब सो गया था यहाँ पे आके, 130 किलोमीटर अपनी साइकिल दन्नों को चला के। तो ये जगह थी यहाँ पे, एक्चुअली क्या ये पानी के वो लगे होते हैं, ये गांव का बस अड्डा है, यहाँ पे कोई गांव जा रहा है तो वहाँ पे चेक पॉइंट था। तो उन्होंने मुझे रोका, तो मैं सोचा कि यहीं पुलिस वालों की सेफ्टी के साथ ही सोया जाए। तो फिर मैंने अपना तंबू लगाया नहीं, पर ये अपना योगा मैट लगाया, अपना कंबल निकाला और सो गया। तो अब मैं चलने की करता हूँ तैयारी भाई। सूर्य देवता निकलने की तैयारी कर रहे हैं, इसके पीछे अभी निकले नहीं हैं, तो निकलने से पहले हम निकल लिए। मुझे यहाँ के लोकल लोग बता रहे थे कि 1988 के बाद में पिछले साल पहली बार बारिश आई थी, और फ्लश फ्लड आया था, बिल्कुल बिल्कुल बाढ़ आई थी, और सारा कुछ रोड वगैरह सब तोड़ के चली गई। आपको जगह जगह रोड टूटे हुए मिलेंगे, देखना पानी के रास्ते न बने हुए हैं। तो भाई चश्मा बदल लूँ, ये रात का चश्मा होता है और ये दिन का है, तो अब ये दिन वाला लगा लेंगे, इससे थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा दिखता है ना, रात वाले से सूर्य देवता जो है वो पूरे चमक रहे हैं, तो चेंज करना बनता है। और कुछ खाया भी जाए यार, ब्रेकफास्ट खीरे के साथ किया जाए। और आज समस्या मेरे साथ क्या होगी है कि हवा बिल्कुल बंद है, और हवा नहीं चलेगी पीछे की तो मेरी तो वाट लग जाएगी, क्योंकि गर्मी चुभती है अगर हवा नहीं चलती तो, और हवा चल रही थी तो दिक्कत नहीं हो रही थी। थोड़ी देर यहाँ बैठ जाएं। लो यार, ढाबा आ गया, इस पर चाय पी के आता हूँ, पीछे जाता हूँ, रोक लेता हूँ एक बार। अभी भी 90-100 किलोमीटर के करीब रह रहा है, और गर्मी इतनी ज़ोर की हो गई है कि 8 बजे, और 8 बजे ही इतनी गर्मी तेज़ हो गई है ना कि हालत ख़राब होने वाली है। हवा नहीं चल रही बिल्कुल भी, और हवा नहीं चलेगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी। और मच्छर छोटे छोटे अभी आ गए हैं यार, ये कुछ धुआं कर दिया जिससे कि छोटे छोटे मच्छर नहीं आएंगे अब यहाँ पे, जो मच्छर आते हैं ना सारे में। अरे बाप रे, एक क्रोकोडाइल बना दिया। ओरिजिनल है, अरे सब रात गिरी ले बोले भाई। चाय, यहाँ पे चाय में मीठा बहुत डालते हैं यार, बहुत मीठी पीते हैं ये लोग। मैंने इनको कम बोला ना तो भी इसने 2 चम्मच तो सरका दिया, तो भी बड़े मतलब इतनी ज़्यादा मीठी है जाती है ना, पता नहीं कैसे कितनी।
ये पेट्रोल पंप आ गया भाई। यहाँ पेट्रोल पंप तो मिल जाएंगे आपको, पर पेट्रोल पंप के ऊपर जो पेट्रोल बहुत ही कम मिलता है, तो लाइनें लग गई है अभी सुबह सुबह ही। अब दोबारा से हम नाइल रिवर के आसपास आ गए हैं। ये गांव है कोई छोटा सा, 10-20 घर होंगे। ग्यारह बजने को है और अभी कोई एक होटल देखा है, इस पे रुका हूँ, देखूंगा कुछ खाऊंगा क्या यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, खार्दुम पहले इनके पास में ब्रेड नहीं थी, अभी ब्रेड आई है, मैंने 10 मिनट वेट किया है। तो अब हम फूल के लिए ऑर्डर दिया है, फूल फूल क्या होता है वो आपको पहले ही पता होगा। तो फूल और साथ में थोड़ा प्याज कटवा लेते हैं, अदरवाइज फूल खाया नहीं जाता यार। ये आ गया, इसमें थोड़ा सा तेल डालते हैं या घी डालते हैं, ये इससे थोड़ा सा ये जमता नहीं है, अदरवाइज ये जम जाता है। और ये रोटी रोट है रोटी के, चल भाई दिनो हो जा तैयार फिर। तेज सामने की आवाज चलने लगी, चफीड़े मारने लगी, 100 मीटर भी नहीं चला जा रहा और कोई जगह भी नहीं है जहाँ पे कोई पेड़ हो या कुछ ऐसा हो। तो पानी बिल्कुल गर्म हो गया, उबलने लग गया, पता नहीं। अभी 7-8 किलोमीटर पे एक होटल दिखा रहा है, कोई होटल क्या मतलब कोई ढाबा वाबा, तो वहां तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा अब तो। बाकी इंजॉय लो। ये है, इसके अंदर सर भी नहीं आ रहा, ये पानी क्रॉसिंग के लिए कोई बनाई हुई होगी ना, बारिश बुरिश हो जाए ज़्यादा तो। अब यही जगह है, अगर इधर रखूँगा तो धूप आ जाएगी, गन्नों को खड़ी कर रखी है, इसके अंदर लेटता हूँ थोड़ी देर। बड़ी मुश्किल से आधे घंटे में 3 किलोमीटर आया हूँ, अभी 3 किलोमीटर बाद में कोई ढाबा सा और 3.7 किलोमीटर दिखा, बस जैसे तैसे वहाँ पहुँचूँ, उस ढाबे से फिर रुकूँगा जितने भी 2-4-6 घंटे, जब तक हवा कम से होना होना, जब तक हवा कम ना हो तब तक वहीं रुकूँगा, चाहे रात हो जाए। एक्चुअली क्या है, सैंड स्ट्रोम आया हुआ है, तो स्ट्रोम में बस हवा के झोंके आते हैं और मिट्टी आती है, मुँह पर मिट्टी लगती है ना, तो फिर और गर्म हवाएं, पानी ये बोतलों वाला पानी जैसे चलते रहो। भाई अभी भी बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं और 3 बज चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि हालत ठीक होएंगी, पर 5 बजे से पहले निकलने का कोई तुक नहीं बनता, अगर हो सका तो रात को निकलूँगा। और
आज तो सही में मर के बचाऊँ, मतलब हर दो दो किलोमीटर में मुझे हालत ख़राब हो गई थी। पर ये जर्नी है दोस्तों, चलती रहेगी। अभी भी स्ट्रॉम थोड़ा सा खुल गया। अब नीचे नीचे देखोगे कि आसमान नीला है और नीचे सारा सफ़ेद दिख रहा है। लो भाई हम चल पड़े हैं वहाँ से। स्ट्रॉम थोड़ा सा कम हो गया था पर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। निकले हैं तो देखते हैं कब तक पहुँच पाएंगे। हवाएँ अभी भी तेज़ चल रही है और हमारा जो टारगेट है वो दोंगोला न करके अब है ना करीमा हो गया है। अगर हम दोंगोला की तरफ अंदर जाएंगे तो हमें 40 किलोमीटर का आना जाना पड़ जाएगा। तो हमने सिर्फ सोचा कि भाई सीधा ही करीमा के लिए निकल जाए, तो करीमा ही रुकेंगे आज रात को। हम रास्ते में कहीं पे सोएंगे और सुबह करीमा पहुंच जाएंगे, क्योंकि अगले दो दिन बाद में यहाँ पर बड़ा सैंड स्ट्रॉम आ रहा है। तो दोंगोला में मुझे रुकने का कुछ देखने का है नहीं, करीमा में कुछ है देखने का, तो वो देखेंगे और वहाँ जाएंगे भाई। तो चलता हूँ, अभी भी देखना अब मौसम कैसा हो रहा है, धुंधला धुंधला दिख रहा होगा सब कुछ। अब ये देखिए सारी धूल ही धूल हो रही है कहीं पे भी, और अभी सुबह के 9 बजे हैं। तो हम लक्की रहे कि कल निकल आए हम रात को, और आज आते ही यहाँ पे ये स्ट्रॉम आया है पूरा, तेज हवाएं चल रही हैं तेज। तो देखते हैं भाई क्या रहता है, कितने दिन चलती है ये। देखो बाहर आया हुआ है सैंड स्ट्रॉम, और यहाँ से मार्केट जो है होटल से पड़ती है 3-4 किलोमीटर। और देखना ये हालत है सब जगह बाहर, धूल उड़ रही है बहुत ज़ोर से और कुछ भी नहीं कर सकते हम। ये देखिए ऐसे पूरा मतलब आसमान जो है वो नीला होया पड़ा है, और आपको मेरे इसमें पता भी लग रहा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, आज जो डिनर है वो हम खुद ही बनाएंगे। यहाँ पे हमने रखे राइस बनाने, ये देखिए राइस उबाल रहा हूँ। और अभी मेरे पास एक पाउच उसका पड़ा है दाल मखनी का, तो वो निपटा दूँगा आज, इमरजेंसी में उसको यूज़ कर लेते हैं। और आज का डिनर इसी से करेंगे, क्योंकि जो सैंड स्ट्रॉम की वजह से मैं कहीं नहीं गया हूँ आगे, क्योंकि 3-4 दिन ये चलेगा सैंड स्ट्रॉम। कल शायद ठीक है काफ़ी हद तक, तो सुबह हम राइड स्टार्ट करेंगे। तब तक जैसे तैसे टाइम पास कर रहा हूँ। तो भाई अभी मैं शहर की तरफ जा रहा हूँ, मेरा होटल जो है वो शहर से 4-5 किलोमीटर दूर है। करीमा सिटी है, बहुत ही सुंदर है। अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा जब यहाँ से चलूँगा तो करीमा शहर भी दिखाऊंगा। तो कुछ खाने को लेके आया जाए भाई, जल्दी सी भूख लग रही है यार। फूल ले लेता हूँ भाई, मार्केट में आया हूँ तो थोड़ा फूल ले कर। प्याज ये फूल तैयार हो रहा है, देखिए ये करीमा का बस अड्डा है, बस अड्डे पे आना पड़ता है। मेरा होटल जो है वो काफ़ी दूर है वहाँ, यहाँ से होटल से लगभग 5 किलोमीटर दूर ये बस अड्डा है यार। तो सिर्फ बसें बसें चलती हैं यहाँ पे और कुछ नहीं है, बस इतना छोटा सा ही शहर है ये, एक तरह से टाउन है, बड़ा नहीं है। लकड़ी बेची जा रही है यहाँ पे, छोटे छोटे गुटके लकड़ियों के। यहाँ पे मच्छर बड़े गंदे होते हैं, देखना हालत खराब कर दी है इन्होंने मेरी तो। और वैसे भी देख रहे हो कि हालत तो क्या हो गई है, जितना मस्ती कर रहे थे ना सब निकल गई है भाई। लो जी पानी भी दे दिया हमने इसको।